प्यार से याद आया, कल कहाँ है जानते हो ना, याद तो है कल? हाँ वो कल जो है ना, वो ये समझिए कि वो अंग्रेज लोगों का जो है ना करवा चौथ होता है, वैलेंटाइन डे है ना। वो आप देखिएगा, इस साल का वैलेंटाइन डे रागिनी कभी नहीं भूलेगी। कल का दिन सृष्टि जी बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी। कल का दिन वो हमेशा याद रखेंगे। मार बच्चों को देखो, वो जो है हमारे घर का संस्कार के खिलाफ जो है बिल्कुल नहीं जाते। मैंने तो हमारे सर पर संस्कारों का टुकड़ा ही रख दिया। अब ऐसे हम भी ना कुछ हो कुछ कमाल करने का सोच रहे हैं। ऐसा कमाल? अभी कहा ना कि अभी सोच रहे हैं। अभी चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत, इरादे क्या है? आयकर मतलब है फिर से कुमुदामा का होने वाला है। समय रहते हमको ना फूआ को जरूरी रिपोर्ट कर देना चाहिए। बताओ ना। हमें ना वो क्या कहते हैं तुम्हारी अंग्रेजी में, भूत हो रहा है। एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट पहला वैलेंटाइन है ना, इसलिए। ए पुरा हमको जासूस बना के अपने आराम से सूतल हुआ है। अरे कोई मिनट का चैन नहीं है इस घर में। रात का नींद तो हराम हो चुका है, दिन में भी सोना नहीं मिलता यहाँ। अरे पुरा हमको कहा है, हमारा बात चल, हम तुमको जिंदगी भर के लिए सुला दे। हमारा मतलब है कि सोने में का रखा है पुरा? तुम सोने के चक्कर में पड़ल हो। हम तो कहते हैं कि घर में का खिचड़ी पक रहा है वो सुनो पहले। बको का पकने आई हो पुरा? घर में चारों मिल के ना वैलेंटाइन मनाने का तैयारी कर रहा है। अच्छा तो अभी बेसर में भी घर में होगा। बताओ चलो चल कर देखते हैं। जल्दी से चप्पल पहन चल। अरे चलो ना तुम, चप्पल नाम का चीज है नहीं है। अच्छा रागिनी, हमने ना बहुत प्यारा सा कलेक्शन बनाया है विष्णु जी के लिए। वो क्या होता है, उस कलेक्शन में ना हमने सारी छोटी छोटी चीजें रखी हैं, जिसकी वजह से हम और विष्णु जी एक दूसरे के करीब आए। जैसे जैसे वो गमछा जिसे पहनकर हमने और विष्णु जी ने रेस जीती थी। वो ब्लैंकेट जिसे विष्णु जी ने हमें दिवाली में जलने से बचाया था। विष्णु जी ने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई थी। और हमने विष्णु जी का स्केच बनाया है खुद। का बात है सिस्टी, का कमाल का सोची हो तुम। मतलब पूरा लव स्टोरी जो है तुम्हें एक ही पिटारे में भरती हो। कोशिश तो की है लेकिन ससुरा हम जो है तो कुछ ऐसा सोच ही नहीं पाए। हम ना तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, तुमने खूब कमाल का सोचा होगा। प्यार और मोहब्बत के मामले में तुम्हारी सोच और समझ लैला मजनू से कम थोड़ी ना है। हमने सब कुछ तुमसे ही तो सीखा है। हाँ अब किसी को डाउट हो तो तुम्हारा लव लेटर पढ़ ले। क्या लिखा था तुमने? हाँ मिस्टर जी, जब हमने आपको पहली बारी देखा था हमें लगा जैसे भूखी गाय को हरा मैदान मिल गया। वाह वाह, वो हमारे उकाती फीलिंग्स। सिस्टर एक बात बोले, तुम्हारी बात से ना हमारा हौसला जो है ना वो थोड़ा और बढ़ गया है। अब तो हमने तय कर लिया कि हम मिस्टर जी को जो है ना वो कमाल का गिफ्ट देंगे। कमाल तो देखा ही है, दुआएं हमको तो देखना है क्या होता है वैलेंटाइन में। हमको काहे मार रही हो, हमको दिखे। और क्या कमाल का गिफ्ट होगी? कमाल का गिफ्ट है ना, जो कमाल का गिफ्ट होता है उसे बताया नहीं उसे दिखाया जाता। यू चीटर, मतलब तुम बहुत चालू हो। ठीक है हमारे बारे में सब कुछ जानिए, अपने बारे में कौन बताएगा? चलो बताओ। अरे बताएंगे, बताओ। अरे बताएंगे लेकिन काम हो जाने के बाद। हमें अनुराग जी को ना पहले से वार्न करके रखना पड़ेगा। क्यों? उनके ऊपर पिछली गिरने वाली है। सिस्टी हमको भी दिखाओ ना कि तुम क्या बनाए हो देव जी के लिए। सॉरी रागनी, हम चाहते हैं कि सबसे पहले उसे विष्णु जी देखे। ये ठीक रहेगा, हम बाद में देख लेंगे। अच्छा हम इसको रखकर आते हैं, तुम जल्दी से आलू छीलो, हमें दाल पकानी है। अच्छा ठीक है। कैसे बताएं सिस्टी तुमको कि हम मिस्टर जी को का देने वाले हैं? हम मिस्टर जी को ना अपनी जिंदगी का पहला चुन ना पहला किस देने वाले हैं? बाप चुम्मा। ये भगवान हमारा तो सोच सोच के रोया खड़ा हो रहा है। पता नहीं जब वो किस होगा तो इसका इतना हिम्मत
अरे इतना बेशरम ही पर उतर आई है लड़की, लेकिन हम भी कुछ कब नहीं आए। का बेशरम? मैं कितना बेशरम है, ऐसा दांव फेंकेंगे ना कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं ना टूटेगा। अरे माँ, कहाँ हुआ बेटा? आपके पास कैंची है क्या? हाँ है, अभय ना देते हैं। लीजिए। लेकिन कैंची का तुम क्या करोगे अनुराग, काहे चाहिए तुमको? क्या है ना, शूज की लेस बहुत बड़ी है, उसको काटने के लिए कैंची चाहिए। ये वाले नहीं माँ, दूसरे वाले। अच्छा जी, आई लो। थैंक यू। तो वैसे अनुराग बेटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। हम जो है ना तुमसे मिलने ही आ रहे थे। आप मेरे पास आने वाले थे? हाँ बेटा, अगर हो सके ना हमारा एक छोटा सा काम कर दोगे? हाँ हाँ, बोलिए ना, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? बोलिए, आपका बेटा आपका काम करेगा। हाँ, वो अनुराग, वो लालगंज वाला जमीन तो जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, वो जो अपने जिले के बाहर है। हाँ हाँ, वो है वो है। वो कहा है कि वो जमीन जो है ना बहुत दूर है, तो तुम्हारे बाबूजी से ना उसका देखभाल नहीं हो रहा है, तो हम सोचे कि जमीन जो है हम बेच देते हैं। हाँ ठीक है ना। अरे बेटा कह तो रहे ना, तुम जाके मिलाओ ना। तुम्हारे बाबूजी जो है वो बाहर गए हैं, और देवर जी जो है ना वो किसी दोस्त का शादी में गए हैं। तुमको कोनो दिक्कत है तो जाना दो। नहीं माँ, एक्चुअली बात वो नहीं है। एक्चुअली ये जो जमीन है इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हाय लो कागजात, अरे तुम इतना पढ़े लिखे हो है, एक नजर डालोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ही लो, ये काम कोई और दिन नहीं हो सकता है क्या? बेटा ये कहा है ना, छह महीना में जो है पहला गिराक आया है, अगर ये हो लौट गया तो फिर पता नहीं कब आएगा। तुमसे नहीं ना हो रहा है, कोनो बात नहीं, हम खुद ही ना चले जाएंगे। कहा है कि हमको तो समझ नहीं आता है, लेकिन जो समझ में आएगा वो समझ लेंगे हैं। और बाकी का कहा है, तुम्हारे जो पापा को जाना चाहिए लेकिन वो जा नहीं पा रहा, तो हम ही को ना जाना पड़ेगा। कोनो बात नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं माँ, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये फाइल रीड करता हूँ, जाता हूँ और अच्छे से डील करके आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक से कर लूंगा। धन्यवाद बेटा है। अब देखो गाड़ी ना एकदम संभाल के चलाना, बहुत तेज मत चलाना। जी माँ, और ठीक है। और हाँ, ये लीजिए। कैंची तो तुमको चाहिए था ना? चाहिए था, अब नहीं चाहिए, हो गया काम। थैंक यू। चली थी वैलेंटाइन मनाने, अब मनाओ वैलेंटाइन अकेले। सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, मेरी रागिनी कितनी खुश होती आज सरप्राइज से। आज हम कितनी हिम्मत जुटा के मिस्टर जी को उनका मनपसंद सरप्राइज देने का सोचे थे, लेकिन ससुरा सब भुरखों पर हो गया। जैकेट आपके लिए, वो आप बाइक पे जाएंगे ना तो आपको ठंड लग जाएगा। थैंक यू। वही टिफिन पूरी भुंजिया बनाए हैं आपके लिए, आप खा लीजिएगा। ठीक। अचानक से बाहर जाने का प्लान? मेरा कोई प्लान नहीं था, माँ ने अचानक से मुझे बताया तो मुझे जाना पड़ रहा है। कितना दूर तक जाइएगा? लालगंज। वहाँ जाने में तो 7-8 घंटे लग जाते हैं ना, तो फिर रात? पता नहीं रात का कुछ, पता नहीं मैं कब वापस आऊंगा। वो कहा है ना कि आप ऐसे कभी घर के बाहर रात को रहने ना, इसलिए बस अपना ध्यान रखना। हाँ मिस्टर जी, और फोन कर देना एक पहुँच के। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें फोन भी करूंगा, अपना ध्यान भी रखूंगा, और तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। और हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ कौन सा डे? वही जो आप अभी बोले। मैंने बोला वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे रागिनी। ये मोह मोह के धन। भाभी ये गाना सुनो, कितना अच्छा है। तेरी उंगलियों से जावला जी, कोई टोह टोह ना बस गिर है। मिस्टर जी अभी गए हैं और अभी से हमें उनका याद आ रहा है।
इधर दिखाओ। बताओ इसकी खुशबू कैसी है? बहुत मस्त खुशबू है, बहुत अच्छा खुशबू है। वो ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब जल में जो है ना चमेली और मोगरा मिला के डाल दिया हो। तुम आज यही खुशबू लगाने वाली हो? और आज तुम भी यही परफ्यूम लगाओगी। हमारे पास दो बोतल, इसे तुम रख लो। अच्छा सुनो, आज अच्छी तरह से तैयार होना, हमें यकीन है अनुराग जी जरूर आएंगे। तुम्हें लगता है मिस्टर जी आएंगे? हाँ, क्योंकि भवरा फूल से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, समझी? चलो खुश हो जाओ, स्माइल। वन कन्या शकुंतला बिरह की आग में जलते हुए जंगल में भटक रही है, लेकिन राजा दुष्यंत अपना वादा भूलकर नहीं लौटे सो नहीं लौटे। अरे दुलारी, ये तो तुम वही कहानी पढ़ रही हो ना, राजा दुष्यंत और शकुंतला की? ना, रामायण है, सीताराम जी का बात कर रहे। आपको तो ये पते होना चाहिए ना, प्रेम का बात है। आप तो इसे भी क्या कहते हैं, पूरा प्रेम के प्रोफेसर बन के घूमते रहते हैं प्रेम का पटशाला में। वो तो हम है, और इसीलिए हम जानते हैं कि कहानी में राजा दुष्यंत जो शकुंतला को अपने प्रेम की निशानी के रूप में अंगूठी दिए थे, वो जब उनको वापस मिलती है तो अचानक से उनको सब याद आ जाता है और वो शकुंतला के पास भागे दौड़े चले आते है कि नहीं, पता है ये सब? ना, अब जानेंगे जब पढ़ लेंगे तब। वो कहा है ना कि एक एक गोपन्ना करके पढ़ते हैं, अंतिम से नहीं ना हम शुरू करते हैं। मन तो करता है कि यू तुम्हारे काबू के ना है, कम से कम एक करो तो झूठा में आग लगा दो। तू मिस्टर जी, हम जानते हैं क्या बहुत ही जरूरी काम से बाहर गया है और आपका वापस आना भी संभव नहीं है, कि फिर भी हमें एक उम्मीद है क्या वापस आएंगे? आएंगे ना मिस्टर जी, बताइए ना, आएंगे ना मिस्टर जी? सॉरी मेरी जान, मैं आज वापस नहीं आ पाऊंगा। एंड पे द वे हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अच्छा सुनो, एक प्यारी सी फोटो तो भेज दो। तेरी की, ठीक है कोई बात नहीं। मिस्टर जी, आई डोंट लाइक दिस। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, अब अनुराग जी तुम्हें ऐसे देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? तुम्हें उन पर भरोसा है ना? जाओ जाके। मिस्टर जी नहीं यार, ये देखो। अरे यार, लेकिन ऐसे कैसे? अरे पर तुमने कहा है अपना मुंह लटका दिया। देखो अपने आप को कितनी सुंदर लग रही हो, एक सेकेंड। किसी का नजर ना लगे तुम्हें। जाओ देवर जी के पास, हो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करे होंगे। जाओ रागनी। लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा तुम ऐसे छोड़ के जाने का। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी, दो टो थप्पड़ मारेंगे तब जाओगी का? वो मिस्टर जी का कहा है, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, कल बना लेंगे हम वैलेंटाइन, का फर्क पड़ता है। और तुम जाओ 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 जाओ। लेकिन तुम भी जाके तैयार हो, हमें अनुराग जी को पिक्चर भेजनी है ना तुम्हारी, तो तुम जाके तैयार हो, बेचारे इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारी फोटो का। चलो जाओ।
जाओ, फोटो भी तो खींचनी है अभी। बहुत प्यारी लग रही हो। नजर न लगे मेरी पार्टनर को किसी की। चलो सेल्फीज क्या करते हैं। अब तुमको भी ना कुछ कुछ सोचता रहता है। चलो हमारा फोन। स्माइल। हाँ अब पाउट करो। हाँ अब पाउट मतलब देखो ऐसे। इसको तो किस बोलते हैं ना? इसको सेल्फीज में पाउट बोलते हैं। नहीं पाउट करो। अच्छा ठीक है तुम किस वाला पाउट करो। ठीक है ऐसे। हो गया। ये क्या फोटो है? अच्छा तुम भी ना कैसी कैसी क्रिएटिविटी करती हो। ये वाला देखो कितना अच्छा है। अरे ये तुम्हारा संदेश आ गया। जाओ, विशु जी ने हमें बाहर बुलाया है। शायद कोई सरप्राइज प्लान किया है। शायद नहीं, हमारा मतलब है कि तुम भी ना। तो लग रहा है ना कि धमाका होगा। तो हम फिर चलते हैं। विशु जी भी ना कमाल के ही है। था, था, था। अरे रे रे, अपना ये मोहब्बत का पिटारा तो लेती जाओ। जाओ रागिनी। लेकिन तुम हम अरे मस्त है। हम उका कहते हैं ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब रागिनी रागिनी सुनो तो। हाँ हमने छत पे कपड़े सुखाए हैं, तुम उसे प्लीज ले आना। हम उसे लाना भूल के सासू माँ देखेंगी तो फिर। हाँ हम कर लेंगे। जाओ बाय। छत से कपड़े लाते हैं। चलो अच्छा है हम सृष्टि का कपड़ा लेने छत पर जा रहे हैं। अब इसी बहाने थोड़ी देर अकेले रह के अपना मन बहला लेंगे। मिस्टर जी नहीं होते तो कितना अकेले हो जाते हैं हम उनके बिना। अरे याद आया, मिस्टर जी ने तो चांद देखने के लिए हमें बोला था। अब चलो चांद में ही हम मिस्टर जी को देख लेते हैं। अपना फुआ का दिमाग है? तो तुमको लड़का ही ऐसे अपन गुरु मानते हैं। कितना तुम्हारा दिमाग तेज चलता है बताओ। बढ़िया है कि वैलेंटाइन मनाने वाली। अब बैठ कर रो रही होगी किसी को अपना पढ़ाए। चलो छत पर जाकर ना ठंडा ठंडा हवा खाते। कहा है कि बहुत दिनों के बाद ना अच्छा महसूस हो रहा है। हम भी तुमको कितना दिन बाद इतना खुश देखे। ऑटो कहाँ हुआ है? रागिनी अब इंतजार बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा। औसे तनार होता है ना फुआ। पर क्या नारी चिट्ठी कैसे लिखेगी? ऐसे अनुराग होता है। लेकिन अनुराग इतना जल्दी कैसे वापस लौट आया? कहे कि लालगंज का रास्ता तो 8 घंटा का दूरी पे है। ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी अगर कोई आधे रास्ते से वापस आ जाए तो 4 घंटे। इसका क्या मतलब है? मेरी प्यारी दुलारी, आज वैलेंटाइन्स डे और अगर आज ही के दिन अनुराग अपनी बीवी के पास ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए ना भाभी हम ब्रिज भैया से कह दिए कि वो अपने दोस्त के वहां से थोड़ा सा समय निकाल के अनुराग के जो ये कागज है ना वो लालगंज पहुंचाए। तो अनुराग गया, भैया को कागज दिए और लौट आए। खाली तुम्हारा काम बिगाड़ दिया। कितना नीमन तुम छत पर जा रही थी घूमने बताओ।
अभी चाहे आप कितना भी तोड़ मरोड़ लो, लेकिन अब आप इन दो दिलों को मिलने से नहीं रोक पाएंगे। मिस्टर जी, आप हैप्पी वैलेंटाइन्स डे।